क्लास बच्चों आपकी बुक आकृति हिंदी पाठमाला। चलिए इसे हम शुरू करते हैं पढ़ना आगे का चैप्टर, चैप्टर एक और अध्याय आठ। और एक कहानी है बंदर और गिलहरी की। कहानी है क्या? बंदर और गिलहरी की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। बुक निकाली और शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, क्या है? बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। एक बंदर था, वह पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। जो बंदर पेड़ पर बैठा था उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। देखिए कितनी लंबी पूंछ है, ठीक है ना? और इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। बंदर जो पेड़ पर बैठा था ना, उसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि वह जमीन तक लटक रही थी। और एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। गिलहरी देखे है ना, ये है गिलहरी, देखिए ये गिलहरी है, ठीक है। ये बंदर की पूंछ को झूला समझ के उस पर झूल रही है। और अचानक उसे पूंछ दिखाई दी तो उसने सोचा कि यह झूला कहाँ से आ गया। गिलहरी नीचे कूद रही थी और उसे अचानक एक पूंछ दिखाई दी तो सोचने लगी कि यह झूला कहाँ से आ गया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, सोची कि थोड़ी देर पहले तो या नहीं था। वह पूंछ पर चढ़ी और झूलने लगी। वह झूला समझी, बंदर की पूंछ को गिलहरी ने क्या समझा? झूला। और उस पर वह झूलने लगी। क्या करने लगी? झूलने लगी। गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूला समझकर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा। जब वह बंदर की पूंछ को छूने झूला समझ कर झूलने लगी तो बंदर को क्या हुई? गुदगुदी होने लगी। और वह नीचे देखा, वह हंसने हंसकर बोला। तब बंदर जब नीचे देखा तो हंसकर बोला, बहन गिलहरी यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। वह हंसकर गिलहरी से क्या कहा कि बहन गिलहरी है, तुम क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया या तुम हो? और गिलहरी चौंक गई और चौंक कर बंदर से पूछी कि बंदर भैया या तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। वो क्या सोची? वो यह कही कि अरे बंदर भैया या तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। वह क्या कही? मुझे झूला झूल कर बड़ा मज़ा आ रहा था। ठीक है, फिर और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। और गिलहरी क्या हुई? हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। अब देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया या तो तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ठीक है, ये चैप्टर हमने आपको समझा भी दिया, रीडिंग भी करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। लंबी का अर्थ होता है बड़ी, अचानक का अर्थ होता है एकदम, उछल कूद का मजे करना, चौकी का आशय। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है, टिक करना है। बंदर की पूंछ बहुत डैस थी, तो बंदर की पूंछ क्या थी? छोटी, पता नहीं लंबी मोटी, तो बंदर की पूंछ क्या थी? लंबी थी। लंबी पर टिक कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। डैस पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। गिलहरी तितली
चूहिया, बिल्ली। तो कौन बंदर की पूंछ पर चढ़कर झूलने लगा था? गिलहरी। गिलहरी पे टिक कर देंगे। गिलहरी के झूलने से बंदर को डैज होने लगी, तो खुजली, दर्द, गुदगुदी, डर। तो गुदगुदी होने लगी थी, तो गुदगुदी पर टिक हो जाएगा। तो सही, ये आपका पूरा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान क्या है देखिए। रिक्त स्थान भरो। एक डैज पेड़ पर बैठा था, तो एक पेड़ पर क्या, पेड़ पर कौन बैठा था? अभी आप लोग पूरा कहानी पढ़े हैं, बताइए। तो पेड़ पर बंदर बैठा था, बंदर, ठीक है, बंदर बैठा था। फिर देखिए, अचानक उसे डैज दिखाई दी। क्या दिखाई दी अचानक उसे? गिलहरी को अचानक क्या दिखाई दी थी? पूंछ। तो यहाँ लिख देंगे पूंछ, पूंछ दिखाई दी। बंदर को डैज हुई, तो बंदर को क्या हुई थी? गुदगुदी। तो लिखेंगे गुदगुदी। बंदर को गुदगुदी हुई थी ना, जब उसकी पूंछ पर गिलहरी झूल रही थी। बड़ा डैज आ रहा था, तो किसको क्या आ रहा था झूलने से? गिलहरी को मजा आ रहा था। यहाँ लिख देंगे मजा। तो एक बंदर पेड़ पर बैठा था, अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। बंदर को गुदगुदी हुई, बड़ा मजा आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही गलत लिखिए। एक बंदर घर पर बैठा था। सही की गलत? गलत। यहाँ हो जाएगा गलत। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। सही। गिलहरी कहाँ कर रही थी उछल कूद? जमीन पर। बंदर गिलहरी से गुस्से से बोला? नहीं, वो तो हंसते हुए बोला था। तो यहाँ हो जाएगा गलत। गिलहरी बंदर की दोस्त बन गई। सही। सही गलत हो गया आपका। क्वेश्चन सर अभी हम आपको दिखा दें। देखिए पहले इधर देख लेते हैं, ये पूरा कर लेते हैं। वचन बदल कर लिखिए। चूहिया, चूहे। पूंछ, पूंछे। गिलहरी, गिलहरियां। झूला, झूले। विलोम लिखना है। बैठना, उठना। बहुत कम, लंबी, छोटी, थोड़ी का बोध हो जाएगा। फिर वाक्य प्रयोग करना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने से करना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। अध्याय आठ, शब्द और अर्थ। शब्द अर्थ हमने बता दिया था कैसे लिखना है। लंबी, बड़ी, अचानक, एकदम, उछल कूद, मजे करना, चौकी, आश्चर्य करना। बंदर की पूंछ कैसी थी? बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। बंदर की पूंछ कैसी थी? बहुत लंबी थी। गिलहरी ने क्या किया? गिलहरी बंदर की पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। गिलहरी ने क्या किया था? गिलहरी बंदर की पूंछ पकड़कर झूलने लगी थी। सॉरी, चढ़कर झूलने लगी थी। बंदर ने गिलहरी से क्या कहा? बंदर ने गिलहरी से कहा, बहन गिलहरी, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। बंदर ने क्या कहा? बहन गिलहरी, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। ये हो गया क्वेश्चन सर। अब आगे देखिए। गिलहरी क्यों चौंकी? गिलहरी बंदर की आवाज़ सुनकर चौंकी। गिलहरी क्यों चौंकी? गिलहरी बंदर की आवाज़ सुनकर चौंकी। वाक्य प्रयोग हम तो होमवर्क में दिए हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। बंदर बहुत शरारती होते हैं। वाक्य प्रयोग है गिलहरी पेड़ पर रहती है। गुदगुदी, बंदर को गुदगुदी हो रही थी। चौंकी, गिलहरी चौंक गई। ये वाक्य प्रयोग हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन सर हो गया। वर्ड मीनिंग, ये आपका क्वेश्चन सर हो गया।
आपका वाक्य प्रयोग हो गया। तो चैप्टर आपका पूरा हो गया। चैप्टर आपका पूरा हो गया, वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, पीडीएफ जाएगा उससे भी कर लीजिएगा, इसमें भी हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए कायदे से देख लीजिए, और हर वीडियो में हम ये ज़रूर बोलते हैं कि आप लोग बोल कर लिखा करिए। बोलने से क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन से लर्न होता जाएगा, जब बोल बोल कर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। लिखने लिखिए और बोल कर लिखिए, जब बोल कर लिखेंगे तो आपको कायदे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले अध्याय के साथ, ठीक है। तब तक अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।